जय जवाहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किसकी और क्यों, इसके चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में जो मैं पार्ट डाल रहा हूं, इस पार्ट में हर वो तरह की कोशिश की जा रही है जिसे तिरुमाल कंगाली साहब, प्रकाश सलामे साहब, चंद्रलेखा कंगाली जी, इनके संशोधन पर यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। हर वो एविडेंस, हर वो प्रकार आपको दिखाया जाएगा इस पार्ट में जो इस संशोधन में महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, एक खेद मैं आपको बता दूं, चलो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता गोंडी नहीं है, मान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता बौद्ध नहीं है, हड़प्पा सभ्यता आर्यन लोगों की नहीं है, फिर किसकी है? जब ये खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, तब एक सवाल पैदा हुआ इंडिया के सभी लोगों के दिमाग में कि यह सभ्यता किसकी है। हर संशोधकार ने यहाँ पे अपना प्रूफ देने की कोशिश की, हालांकि उनके प्रूफ आगे चलकर वो निस्तर माने गए, उनको उनके संशोधन को गलत माना गया, लेकिन वे में तो चले। जब इस भारत देश की किसी सभ्यता को खोदा गया, उसकी लिपि निकाली गई, और कोई इतिहासकार कहता है कि मैंने उसको पढ़ा है, मैंने उसको समझा है, मैं उसके हर एक अक्षर, हर एक चिन्ह की यहाँ पे आपको चिन्ह का अर्थ बता सकता हूँ, तब यहाँ का मीडिया, तब यहाँ की जो लोग हैं, वो लोग ये सुनते क्यों नहीं? क्यों ये सच्चाई सुनने में उन्हें गलत लगता है? अगर आपको लगता है कि यह कंगाली दादा का संशोधन गलत है, तो आप वो सिद्ध कीजिए। लेकिन इस बात को, जो कंगाली दादा ने अपना जीवन इस पे डाल दिया, अपने जीवन भर वो रिसर्च करते रहे, और वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उनके रिसर्च है, उनके रिसर्चकार है जिन्होंने उनके साथ काम किया, वो लोग हैं। इसको नेशनल तो मुद्दा बनाओ, फिर हम भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वो लिपि कैसे गोंडी सभ्यता की लिपि है। दोस्तों, यह प्रूव करना बहुत जरूरी है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बनाता है इस बात को। और इस इतिहास को, अगर ये इतिहास उजागर होता है, तो भारत को 5000 वर्ष पूर्व एक इतिहास की धरोहर प्राप्त होगी, और यह बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, 22 अगस्त 2012 यानी 2012 में मोतीराम कंगाली और प्रकाश सलामे साहब का इंटरव्यू लिया गया, वो किस चैनल पे, सह्याद्री पे, मराठी में वो इंटरव्यू था, उनका इंटरव्यू लिया गया। ये न्यूज़ भी फैलाई गई कि उन्होंने इतने रिसर्च के अनुमान से यहाँ पे ये सभ्यता पड़ी है 2012 में, और आज चल रहा है 2020, 8 सालों का गैप। इस बात को कोई उछाल भी नहीं रहा है और कोई बोल भी नहीं रहा है। कारण हो सकते हैं, ये सभ्यता गलत हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये कब, जब आप इस बात को प्लेटफॉर्म के देखोगे, जानोगे, आप समझ ही नहीं सके आप मोतीराम दादा कहना क्या चाहते थे, इस लिपि में क्या लिखा है, यही नहीं पढ़ोगे, यही नहीं देखोगे, और आप उसको सीधा गलत कहोगे। इसके लिए उछालना पड़ेगा, उसके लिए उसको मीडिया में लाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, और यही काम अलाइव ब्रेथ कर रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में वो लिपि वाला सेशन मैं ले रहा हूँ, लेकिन आज के वीडियो में आपको एक स्पेशल ऐसा वीडियो दिखाऊंगा, जो वीडियो 2012 में कंगाली साहब के इंटरव्यू में प्रकाशित हुआ चैनल पर, लेकिन उस वीडियो की जो रियलिटी है, उस वीडियो को आगे तक फैला नहीं गया, वो मीडिया में उछाला नहीं गया वो टॉपिक, और वो वैसे के वैसे बंद रह गया। आज तिरुमल मोतीराम दादा कंगाली तो नहीं है, वो पेनवासी हो गए, लेकिन उनके जो साथीदार है, उनके साथ काम करने वाले तिरुमल प्रकाश सलामे सर, जो आपको किताबें भी बांटते हैं, और ये गोंडवाना का इतिहास घर घर तक, हर कोने तक पहुँचे, इसके लिए वो अपने कार्य कर रहे हैं, और आज भी वो हड़प्पा लिपि को पढ़ सकते हैं, उन्होंने बहुत तर्क अनुमान पे बहुत अभ्यास किया है। तो दोस्तों, ऐसा एक छोटा सा वीडियो आपके पास है, इसके अगले पार्ट में कंगाली साहब का पूरा जो इंटरव्यू लिया गया मराठी में, उसको हिंदी टाइटल करके हम आपको दिखाने वाले हैं। मराठी में जो उनका उनकी मुलाकात ली गई है, इंटरव्यू लिया गया है, उसको इंटरव्यू को हम हिंदी में आपको दिखाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में जो सह्याद्री पे जो मुलाकात ली गई थी, जो इंटरव्यू लिया गया था, उसकी एक झलक ये आप इस वीडियो में देख सकते हो। आने वाला वीडियो डॉक्टर कंगाली साहब के पूरे इंटरव्यू का एक वीडियो होगा। ये पहले मैं क्यों डाल रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि जिसने रिसर्च किया है, जिसने इस अनुमान तक पहुँचा है, सभ्यता को खोजा है, वो इंसान आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कुछ वीडियोस हैं, वो हमें संभाल के रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आगे देखिए वो वीडियो,
चैनल। अगर वो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, लोगों में बांटो, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंगाली साहब के विचारों को फैलाओ। और मैं सभी को बता दूं कि उनकी इंटरव्यू भी इस पार्ट में आने वाली है, नेक्स्ट पार्ट में। और इस इंटरव्यू आने के बाद हम उन्होंने कैसा अध्ययन किया इसके रास्ते से चलेंगे। नऊ ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिवासी दिन म्हणून साजरा केला जातो। आपल्या देशाच्या प्राचीन इतिहासामध्ये सिंधू संस्कृतीला अनन्यसाधारण महत्व आहे। या संस्कृतीमधल्या मुद्रांचं वाचन मात्र इतकी वर्ष लोटूनही पडद्याआडच राहिलं। नेमका हाच धागा पकडून चंद्रपूर इथले गोंडी भाषेचे गाढे अभ्यासक डॉ मोतीरावण कंगाली यांनी या मुद्रांचं वाचन करण्यात यश मिळवलं आहे। सिंधू संस्कृती तसंच गोंड समाजाचं साम्यही त्यांनी या संशोधनातून अधोरेखित केलं आहे। आजच्या आदिवासी दिनाचं औचित्य साधून कंगाली यांचा प्राचीन इतिहासाला उजाळा देण्याचा हा प्रयत्न महत्वाचा ठरतो। भारतीय प्राचीन इतिहासामध्ये सिंधू संस्कृतीला अनन्यसाधारण महत्व आहे। हडप्पा मोहेंजोदडो ही शहरं उत्खननामध्ये आढळली तेव्हा त्यावेळी तिथे मूर्ती, शिलालेख, मुद्राही आढळून आल्या होत्या। चंद्रपूरच्या गोंडी भाषेचे अभ्यासक डॉ मोतीरावण कंगाली यांनी या संदर्भात इतिहासप्रेमींना खुशखबर दिली आहे। कंगाली यांनी अनेक वर्ष परिश्रम करून त्या मुद्रांचं वाचन करण्यात यश मिळवलंय आणि त्यावर पुस्तकही लिहिलंय। या मुद्रांमुळे तत्कालीन राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितीची कल्पना येऊ शकते असं कंगाली सांगतात आणि म्हणूनच या लिपीचा प्रचार प्रसार होणं गरजेचं असल्याचंही कंगाली यांचं म्हणणं आहे। प्राचीन वारसा ज्याला आपण म्हणतो की त्या वारसाचं अध्ययन करण्याकरिता या लिपीचं फार महत्व आहे। कारण की हे लिपीचे शब्दाक्षर जोपर्यंत कळणार नाही सिंधू लिपीची संस्कृतीची मूल्य काय आहे हे सुद्धा भारत देशाला कळून येणार नाही। या पुस्तकाचे विश्लेषक तसंच अभ्यासक प्रकाश सलामे यांनीही ही संस्कृती उज्ज्वल असल्याचं सांगितलं। तेथील जे सामुदायिक, धार्मिक, राजकीय आणि जी सामाजिक संरचना जी होती त्या ठिकाणी ती आज सुद्धा भारतामध्ये जे लाखो करोडोच्या संख्येने गोंड समुदाय निवास करत आहे यांच्याशी अत्यंत साम्य आहे। मुद्रांच्या या वाचनामुळे इतिहासप्रेमींना एक मोठं दालन उपलब्ध झालं असून हा दस्तावेज इतिहासप्रेमींसाठी मोलाचा ठरणार आहे हे निश्चित। दोस्तों, ये न्यूज़ देखने के बाद आपको अगर लगता है कि मोतीराम दादा के मार्ग पर चलना चाहिए, मोतीराम दादा के इतिहास संशोधन पर हमें चलना चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आगे बहुत बड़े ऐसे ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जो सुन के आप दंग रह जाओगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय दसी, जय गुणवर, जय गुण।